दोस्तों, क्या आप लोग भी इस तरह की कूल और इलास्टिक इमेजेस क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी सिंपल वेबसाइट यूज करके एक ही क्लिक में? तो ये इमेजेस जनरेट करना बहुत आसान है। मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि इस तरह की इमेजेस किस तरह क्रिएट की जाती हैं। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस तरह की इमेजेस क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे क्रोम को, और यहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे बीइंग इमेज क्रिएटर। इसके बाद हम सबसे पहले वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक प्रॉम्प्ट जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके सारे प्रॉम्प्ट हासिल कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को। अब यहाँ पे मैं अपना वही प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूँ जो मैंने ऑलरेडी लिख के कॉपी किया हुआ है, और मैं सिंपली क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, और ये देखें आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की इमेजेस क्रिएट होकर सामने आ जाएंगी। और अगर आपको इस तरह की इमेजेस अच्छी ना लगें तो आप दोबारा क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पर जो मैंने एडिटिक्स लिखा है अपने चैनल का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, और ऊपर भी इसे चेंज भी कर सकते हैं, इनके कलर भी। अभी मैं आपको थोड़ी सी चेंजिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम जो है वाइट वाली जगह पे रेड भी लिख सकते हैं, देखिए रेड लिख के देखते हैं, और क्रिएट वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया दोबारा। यहाँ पे थोड़ी देर वेटिंग के बाद हमें बीइंग सॉफ्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट बीइंग इमेज जो है इमेजेस क्रिएट करके दे देगा। ये देखिए दोस्तों, अब जो है शर्ट्स के कलर चेंज हो गए हैं। यहाँ पे जो मैंने रेड लिखा था तो मेरे ख्याल से तो वाइट ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, मुझे तो वाइट ही प्यारे लगते हैं। आप जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम येलो लिखते हैं, और दोबारा क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और इलास्टिक इमेजेस क्रिएट होके हमारे सामने आ गई हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद इस तरह की वीडियो एडिटिंग्स के लिए।